बेगूसराय में एक बार फिर निगरानी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सोने के जेवरात सहित 2.5 लाख की नगद समेत लाखों की अचल संपत्ति का अपने कब्जे में किया। भ्रष्टाचार के आरोप में पदस्थापित दरोगा ब्रजेश कुमार, जो कि बांका जिले के शंभुगंज थाना में पदस्थापित हैं, वहीं निगरानी विभाग के द्वारा दरोगा ब्रजेश कुमार, जो कि बेगूसराय स्थित उनके आवास तथा उनके कई और ठिकाने पर एक साथ छापेमारी कर सारी संपत्ति को जब्त किया है। वहीं निगरानी विभाग के DSP समीर कुमार झा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर भागलपुर जिले के शंभुगंज में पदस्थापित थानाध्यक्ष ब्रजेश कुमार पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप है। फिलहाल निगरानी विभाग के द्वारा यह कार्रवाई की जा रही है और वहीं बेगूसराय जिले के लोहिया नगर थाना क्षेत्र के बागी मोहल्ले में यह कार्रवाई का अंजाम दिया गया था। इतनी ऊपर कीजिए ना रवि जी। नहीं सुनिए, आज बेगूसराय में तनी आप ऊपर कीजिए ना, या साइड कीजिए पहला बस चेहरा नहीं रवि जी। तनी आप ठीक है सर? आप ठीक है जी सर। आज बेगूसराय में आइए तो अच्छा अच्छा बगल लगा रहे। टीम की गठन की गई जिसमें कुल 12 सदस्य हैं, जिसमें इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और सिपाही भी हैं, और उसके बाद उनके आवास पर आज विधिवत छापेमारी की गई और तलाशी भी ली गई। क्या क्या चीज़ बरामद हुआ है इसमें से? यहाँ बरामद में से कुछ जेवरात हैं जो आभूषण हैं, और नगद जो कि उल्लेखनीय है कि नगद लगभग 2.5 लाख के आसपास। कहाँ कहाँ छापेमारी की? छापेमारी दो जगह चल रही है, एक यहाँ इनका जो आवास है।